हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शुभांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली ही यूके की गवर्नमेंट ने एक लैंडमार्क डील को साइन करा था विद रिस्पेक्ट टू द यूरोपियन यूनियन कि भाई जो भी पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है। इस फ्रेमवर्क को या अगर हम बात करें इस ट्रीटी को विंडसर फ्रेमवर्क का नाम दिया गया। बैकग्राउंड क्या है इस इशू का, कहां से पूरी की पूरी स्टार्ट हुई, आइए आज की क्लास में वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें एक बैकग्राउंड की तो उसकी में थोड़ी सी कहानी जानने की जरूरत है कि भाई नॉर्दर्न आयरलैंड को रन करने के लिए या नॉर्दर्न आयरलैंड को गवर्न करने के लिए कौन से इसमें प्रोसीजर्स हैं, कौन से प्रोविजन थे एंड व्हाट इज द होल स्टोरी अबाउट। तो यूके और ईयू ने एक डील साइन करी है पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड रूल्स को लेकर नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए, जहां पे वो बॉर्डर जो है ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड का उसको हटाना चाहते हैं। अब ये जो बॉर्डर है दिस इज पासिंग थ्रू द आयरिश सी, जहां पे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड रहेगी तो ईयू के साथ ही आपका ब्रेक्सिट, लेकिन जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं ट्रेड फ्रंट पे हम उससे कैसे डील कर सकते हैं, यूके उससे कैसे डील कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न आयरलैंड, इसीलिए विंडसर फ्रेमवर्क को साइन करा गया है। अगर हम कहानी की शुरुआत करें तो कहां से ये स्टार्ट होता है पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, ये जो प्रोटोकॉल नया साइन हुआ है द विंडसर फ्रेमवर्क, अगर मैं आपको एक बहुत क्विक समरी में बताना चाहूं, अलाउ करेगा ईयू कस्टम रूल्स को कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड पे अप्लाई करता रहे। बहुत टाइम पहले ना देयर वाज अ नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। अब इस नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल की दिक्कत क्या आ रही थी कि इसकी वजह से कंटिन्यूअसली नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोविंस में टेंशन चल रहे थे। विंडसर फ्रेमवर्क एक कोशिश है, एक पॉलिटिकल अटेम्प्ट है कि भाई जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज चल रही हैं लाइक ब्रेक्सिट को लेकर, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज चल रही हैं ट्रेड को लेकर, उसको हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। आयरलैंड एक आइलैंड है, अगर आप मैप से देखोगे कहानी को समझोगे कि भाई आयरलैंड कहाँ पे लाइक करता है, आयरलैंड एक बहुत छोटा सा आइलैंड है जो कि ब्रिटिश मेनलैंड के वेस्टर्न साइड में लाइक करता है और दो सेपरेट पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट टेरिटरीज का पार्ट है। नॉर्दर्न आयरलैंड कुछ 1/6 पार्ट टोटल आयरलैंड का बिलोंग करता है, जहां पे 1921 में साइन हुई थी एंग्लो आयरिश ट्रीटी। ये जो एंग्लो आयरिश ट्रीटी साइन हुई थी जिसका आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो, इसने एस्टैब्लिश करा था आयरलैंड को एज अ फ्री स्टेट, मतलब एक कहते हैं ना मुक्त राज्य की स्थापना यहां से हुई थी। ये दो आयरलैंड जो है द काउंटीज कंप्राइज ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड दैट रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ यूके। अब पॉलिटिकल स्प्लिट इस आयरलैंड का जब हुआ, यहाँ पे बहुत सारे टेंशन कंटिन्यूअसली स्टार्ट अप होने लगे एंड बहुत सालों तक, रादर आप उम्मीद करो ऑलमोस्ट फॉर 30 इयर्स, 3 डेकेड्स तक इस पूरे के पूरे पीरियड को बोलने लगे ट्रबल्स। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू कैन सी किस तरीके से द मिलिट्री फोर्सेज वर स्टेशन देयर ताकि शांति बनी रखी जाए। 1998 में ये जितना भी लड़ाइयां चल रही थी, जितना भी झमेला चल रहा था, everyone rather sort a kind of a relief after the signing of something called as the Good Friday Agreement. 1998 में ये जो Good Friday Agreement साइन हुआ as a part of the Belfast Treaty, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए पीस या शांति आ गई। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बात करें कहाँ पे दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो इसका सबसे प्रोमिनेंट पार्ट आता है द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल की वजह से ही व्यापार में बहुत तनाव था विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटेन, ब्रिटेन यू नो ब्रेकिंग आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के हिसाब से नॉर्दर्न आयरलैंड फॉर्मली आउटसाइड रहेगा सिंगल ईयू मार्केट के, लेकिन ईयू के जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड द कस्टम्स यूनियन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिफैक्टो कट हो जाएगा नॉर्दर्न आयरलैंड यूके से भी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। अब अगर ये चीज समझो, अगर नॉर्दर्न आयरलैंड यूके से कट ऑफ हो गया तो इसका ट्रेड पे क्या नुकसान पड़ेगा आयरलैंड के, या क्या इसका अफेक्ट होगा कि जो भी ट्रेड है ना नॉर्दर्न आयरलैंड का, या स्पेसिफिकली अगर हम आयरलैंड का भी बात करें, दे विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ हार्ड कस्टम्स, उनका एकदम से ट्रेड या टैरिफ बढ़ जाएगा। नॉर्दर्न आयरलैंड की यूनियन ने बोला कि ये अनफेयर है कि गुड्स अब फ्रीली फ्लो नहीं कर पाएंगे और हमको क्यों इस चीज की सजा मिल रही है कि भाई ब्रेक्सिट तो ब्रिटेन कर रहा है ना, ईयू से बाहर तो ब्रिटेन जा रहे थे, व्हाई आर वी बीइंग पनिश्ड फॉर द सेम। अब क्या बोला गया कि हम किस तरीके से विंडसर फ्रेमवर्क को जो लेकर आए हैं, या जो ये कोशिश करी जा रही है कि हम इस तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, कौन से मुद्दे को हल करना चाह रहे हैं, विंडसर फ्रेमवर्क बेसिकली दो क्रूशियल एस्पेक्ट्स में डील करने वाला है। एक होगी ग्रीन लेन, एक होगी इनका रेड लेन सिस्टम। ठीक है, ग्रीन लेन सिस्टम और रेड लेन सिस्टम होगा गुड्स के लिए, दूसरा जो एस्पेक्ट होगा वो होगा स्टॉर्मोंट ब्रेक। दोनों सिस्टम्स क्या है आइए जानते हैं। तो ग्रीन लेन सिस्टम होगा उन गुड्स के लिए जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में रहेंगे, रेड लेन सिस्टम होगा उन गुड्स के लिए जो ईयू की तरफ को जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद जो स्टॉर्मोंट ब्रेक होगा ये अलाउ करेगा नॉर्दर्न आयरलैंड के लॉ मेकर्स को और लंदन को कि वो वीटो कर पाए कोई भी ईयू का रेगुलेशन। दूसरा पार्ट ये एप्लीकेबल तब होगा अगर जो रेगुलेशन है वो इसी किसी भी रीजन में किसी भी क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो विंडसर फ्रेमवर्क का जो मेजर एजेंडा है, मेजर आप बोल सकते बैकड्रॉप है, किस तरीके से वो हल करना चाहता है ट्रेड इश्यूज को, नॉर्दर्न आयरलैंड पे एक सिंपल सी चीज बोली जाएगी। पर ये जो ग्रीन लेन बनाई जा रही है यहाँ पे आप इस फिगर से देख सकते हो, ये यूके के गुड्स के लिए होगी। ट्रेडर्स कंप्लीट करेंगे सिंगल सर्टिफिकेट पर ट्रक और उनको बहुत सारे लेकिन 10-15 फॉर्म्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर एवरी सिंगल शिपमेंट ऑफ द लोड। आयरलैंड की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ईयू डेस्टिन गुड्स जाएंगे वाया द रेड लेन। तो ये जो रेड लेन है इरिश सी से होता हुआ, इंग्लैंड से होता हुआ जाएगा आयरलैंड की तरफ, जहां पे इनको पूरा का पूरा कस्टम प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों को कम से कम ये ऐसा झेलना नहीं पड़ेगा कि भाई हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही है। इस टू लेन सिस्टम की वजह से मिनिमम पेपर वर्क उनको करना पड़ेगा, जो भी कस्टम्स की लाइन में खड़े होना पड़ता था घंटों, दे हैव टू वेट फॉर द क्लियरेंसेस। अब नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों के लिए दिस विल बी अ रिलीफ पार्ट। तो जो पहले नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल होता था उसको हटा के अब विंडसर फ्रेमवर्क को लाया जा रहा है। A lot of people have been thinking, a lot of political pundits have been thinking, क्या ये actually में successful होगा? देखो, वो तो भाई समय ही बता पाएगा कि कितना successful होगा ये, लेकिन हाँ ये चीज जरूर बोली गई है कि यूके कोशिश कर रहा है कि वो कैसे ट्रेड को इम्प्रूव कर पाए और ईयू के साथ उनकी जो टाइज है उसको भी इम्प्रूव कर पाए। यहाँ पे वो स्पेसिफिकली इसी चीज पे फोकस करना चाहते हैं कि जो उन्होंने प्रॉमिस करा था कि जो भी ईयू के प्रोटोकॉल्स है उसको अप्लाई करते हुए किसी भी ग्रुप का जो ट्रेड टेंशन है, किसी भी ग्रुप को कहीं पे भी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट कोई भी दिक्कत ना हो। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एट आर अकेडमी। सी यू गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब कीजिए आर अकेडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।